इस वीडियो में के बारे में पढ़ेंगे अडेप्टेशन क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं कि अडेप्टन क्या होता है बिकॉज ये बी एस सी थर्ड ईयर जूलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ये एग्जाम में काइंड ऑफ या याडेप्टन कितने टाइप के होते हैं हम ये पढ़ने वाले हैं प्रीवियस वीडियो में हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अडेप्टेशन भी पढ़ा था वो एक अलग परस्पेक्टिव में था और अब हम अलग अलग काइंड के अडेप्टन पढ़ेंगे

साइज़ हो गया और जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं ये सभी फीचर है? है तो मॉर्फोलॉजी में जितने भी चेंजेस आते हैं वो डिसाइड करते हैं अलग तरह का अडेप्टन एनाटमी क्या होता है आपने मॉर्फोलॉजी और एनाटमी दो वर्ड बहुत सुना होगा तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपियरेंस की बात हो रही है एनाटमी का मतलब होता है ये इंटरनल अपियरेंस की बात हो रही है इंटरनल अपियरेंस यानी आपकी बॉडी के इनसाइड अंदर जो भी चेंजेस होंगे Anatomy की बात करें तो इंटरनल ग्रुप में जितने चेंजेस होंगे वो अलग तरह के बना सकते हैं तो हैबिट habit और के बेसिस पे को तो कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी से जो कि है फॉसोरियल जोरियलेशन देखिए यहाँ से मैं बुक से ही बता रही हूँ बिकॉज बुक के जो नोट्स थे वो बहुत ही टू द पॉइंट और एक्यूरेट थे इस वजह से वो मैंने कॉपी में अपने नोट्स में नहीं एड ऑन किया था तो ये पोर्शन आप अपनी नोट्स में लिख सकते हैं और स्टार्टिंग का भी बीच का पोर्शन जो है वो मेरे नोट्स में ही आपको मिल जाएगा ियल की बात करें दीजन आर डेवलप ड्यू टू डिगिंग एंड एनिमल्स विच में डिग आईदर फॉर देयर फूड और फॉर शेल्टर देखिए फॉसोरियल अडेप्टन उन जानवरों में पाया जाता है जिन जानवरों में डिगिंग हैबिट होती है यानी उनको खोदने की मिट्टी खोदने की हैबिट होती है और अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो वो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज अडेप्टेशन हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है तो वहाँ रहने के लिए उसकी बॉडी में कुछ अलग अलग या तो मॉर्फोलॉजी में या तो एनाटमी में अंदर उसकी बॉडी के या तो उसकी बॉडी के बाहर ऐसे कुछ स्पेशल फीचर्स उसके पास होंगे जो उसको सरवाइव करने में मदद कर रहे होंगे उस एरिया में जैसे कि पोलर बियर है तो पोलर बियर की बॉडी के बाहर उसके कितने वाइट फर होते हैं उसके पास कितनी मोटी फैट की स्किन होती है जो लेयर होती है फ़ैट की स्किन की लेयर होती है वो कितनी थिक होती है तो इसी वजह से वो इतना रेजिस्ट कर पाता है कोल्ड इन्वायरमेंट को पोलर बियर जो इतने बियर कर लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी वहां के लिए अडेप्टेड है।, है जिनके पास डिगिंग या बोरोइंग हैबिट्स होती हैं तो वो डिग किसकी वजह से करते हैं या तो अपने शेल्टर के लिए रहने के लिए या तो अपने फूड के लिए वो ये डिगिंग का काम करते हैं अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे प्रेमिटिव मेंबर है एनिमल किंगडम के ठीक है तो जितने भी एनिमल्स फॉसोरियल एडाप्टेशन होती है जिनके पास वो एनिमल किंगडम के सबसे प्रेमिटिव एनिमल्स हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं सिलियंस जिन्हें मैम कहते हैं लिम्बलेस लिजार्ड हो जाएगा स्नेक्स हो जाएंगे रेप्टीलियंस बोरोइंग आउल बर्ड रोडेंट्स मैनी मार्शुपियल्स ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अब कुछ फॉलोइंग अडेप्टन विद रिगार्ड टू देर हैबिट्स। अब उनकी बोरोइंग हैबिट्स होने के साथ साथ उनके अंदर और क्या फीचर्स होते हैं फॉसोरियल अडाप्टेशन के एनिमल्स में ये देख लेते हैं फर्स्ट थिंग कि ये क्या होते हैं लिंबलेस होते हैं और इनके पास आइज भी नहीं होती हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से द बॉडी कॉन्टोर इज स्पिंडल शेप्ड और सिलेंड्रिकल विच ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंट ड्यूरिंग बोरिंग इनकी जो बॉडी होती है फॉसोरियल अडेप्टेशन के एनिमल्स के पास इनकी बॉडी स्पिंडल शेप की होती है या तो सिलेंड्रिकल होती है जो कि एक कम से कम रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है बोरोइंग के टाइम पर क्योंकि उनकी बोरोइंग करने के लिए उनकी बॉडी का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होता है तो वो ज्यादा ईजिली बोरोइंग कर पाते हैं इसीलिए लीस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है

र्नल इयर्स एंड अदर सेंस organ बिकम वेस्टिजियल एज दे मे बी एन ऑब्स्ट्रक्शन इन बॉरोइंग अब उनकी जो आईज होती हैं या उनके पास जो एक्सटर्नल इयर्स हैं या बाकी अदर जो भी सेंस organ है उनका कोई भी यूज नहीं है उनकी बॉडी में ठीक है जो भी ऑर्गन्स का कोई यूज नहीं होता है किसी पर्सन की बॉडी में किसी इंडिविजुअल की बॉडी में उन्हें हम वेस्टिजियल organ कहते हैं ठीक है थीके? तो ये आईज का इयर्स का और बाकी सेंस organ का कोई भी इस्तेमाल नहीं है इन तरह के जानवरों के पास तो ये सभी वेस्टिजियल organ है उनकी बॉडी में जो कि एक तरह से बॉरोइंग के पे ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं यानी रुकावट बनते हैं ठीक है तो ये भी क्या होते है वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं थर्ड हम पढ़ेंगे बॉडी लिम्स एंड गर्डल्स बिकम अडेप्टेड फॉर डिगिंग अब उनके जो बॉडी लिम्स होती है यानी उसके जो हाथ पैर होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं वो इतने स्ट्रॉग होते हैं उसी तरफ से उनका जो बोन्स का मेकअप होता है थोड़ा जेनेटिक मेकअप वो ऐसा बना ही होता है कि वो डिगिंग प्रॉपरली कर पाए ठीक है थीके? डिगिंग के पर्पज से ही वो अडेप्टेड होते हैं देन अब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे टैपला का एग्जाम्पल दिया हुआ एक एनिमल है उसके बारे में बताया गया तो आप ये सब पढ़ लेंगे ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आप एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा लेकिन आप फिर भी

हाइला ट्री स्नेक, वेरियस बर्ड्स एंड मैमल्स बैट मंकीज, ट्री कंगारू एंड फ्लाइंग स्कूर ये स्कैंसोरियल अडेप्टन के एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल हो गए कि इन सभी जीवों में सभी जानवरों में स्कैंसोरियल अडाप्टेशन पाया जाता है आपने एरियल भी सुना होगा जो भी जीव एरियल अडेप्ट होते हैं एरियल मतलब जो हवा में रहते हैं ठीक है थीके? आपने पढ़ा होगा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो सिर्फ लैंड पे ही रहते हों आपने सुना होगा एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो सिर्फ पानी में ही रहते हो वो एक्वेटिक एनिमल्स एरियल एनिमल्स

क्टिवर फूड एंड लिव ऑन ग्राउंड जो क्या करते हैं फूड के परपज के लिए या अलग अलग पर्पज के लिए क्लाइंबिंग करते हैं वो उनकी हैबिट है और ग्राउंड पे भी रहते हैं <coughs> मंकी विच आर परफेक्टली ट्री ड्वेलिंग एनिमल जैसे मंकी की आप बात करें तो वो परफेक्टली ट्री ड्वेलिंग एनिमल है ड्वेलिंग मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ वो परमानेंटली रहते उनका हो उनका घर हो वहाँ पे तो ये मंकी का परफेक्टली ड्वेलिंग एनिमल्स इन्हें कह सकते हैं अब इनके पास भी कुछ अडेप्टशनस होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है द बॉडी कॉन्ट्रोर इज स्नाउट विद सब सर्कुलर थोरैक्स द रिप्स एंड टेंट टू बी मोर इन नंबर इनका बॉडी कॉन्ट्रोल जो होता है वो स्नाउट टाइप का होता है इनके जो थोरैक्स है वो सब सर्कुलर होता है मीन सर्कुलर शेप में आधा होता है रिप्स जो होती हैं वो करव्ड होती हैं और ज़्यादा भी होती हैं नंबर में सेकेंड बात करें तो डॉर्सो लम्बार वर्टिब्री आर इलॉन्गेटेड एंड इंक्रीज इन नंबर दस स्ट्रेंथनिंग द वर्टिब्रल कॉलम इनका जो डॉर्सो लम्बार वर्टिब्री होती है वो, in वो काफ़ी लंबा होता है इलॉन्गेटेड होता है और काफी नंबर में इंक्रीज भी कर जाता कि इनकी की जो है जिससे किलम की ट्रीज क्लाइंबिंग करते समय इनका जो होता है, अगर आपने का सिस्टम बढ़ रखा है तो आपको पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल पता होंगे ठीक है स्केलेटन सिस्टम पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पर मैंने वीडियो बना रखी है आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो इलियम वाला रीजन होता है पेल्विक गर्डल में इनके वो क्या होता है बोन जो होती है वो ब्रॉडेंड होती है और इनको ट्रीज को क्लाइम करने में मदद करती है फोर लिम की बात करें तो ह्यूमरस बोन होती है इनमें जो कि काफी इलोंगेटेड होती है लंबी होती है और वो जंपिंग एनिमल्स में स्पेशली जो है पाई जाती है इलॉगेटेड फॉर्म में देन फोर्थ पॉइंट है कि हाइंड हाइंडलिम जो है वो अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशन शो करता है जैसे कि अडेसिव पैड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जैसे आपने डॉग के पैरों में देखा होगा और लॉइन के पैरों में देखा होगा पैड होते हैं ना एक तरह से जो ग्रिपिंग में मदद करते हैं वैसे ही इनमें भी पैड्स पाए जाते हैं देर आर वेल डेवलप्ड क्लॉज क्लॉज मतलब जो उनके पंजे होते हैं उन्हें क्लॉज कहा जाता है वो भी प्रेजेंट होते हैं कैट में स्क्विरल में उनकी फीट में प्रेजेंट

हमने पढ़ लिए आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा आगे के अडेप्टेशन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू